इस वक्त की बड़ी खबर विराट से आ रही है। विराट पूर्व पूनम स्वीट्स के किचन का वीडियो भी सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है। आपको हमने कल न्यूज में दिखाया था कि पूनम स्वीट्स से मयूर सावन नाम का युवक मिठाई खरीदा। इसके बाद जैसे ही मयूर ने मिठाई के डब्बे खोला तो उसमें कॉकरोच दिखाई दिया। शिकायत करने पर पूनम स्वीट्स वाले ने उसके साथ बदतमीजी की और डब्बे को लेकर रख लिया। दरअसल इसी बीच जब पूनम स्वीट्स के किचन को देखा गया जो हैरान कर देने वाला था। पूनम स्वीट्स के किचन को आप देखेंगे तो साफ तौर पर समझ जाएंगे कि आखिरकार ये कॉकरोच कैसे मिठाई में आया। आप जो वीडियो देख रहे हैं पूनम स्वीट्स के किचन का है। आप देख सकते हैं कि बाथरूम से सटा हुआ किचन है, बाथरूम में दरवाजा भी नहीं। बाथरूम की गंदगी और किचन की गंदगी में कोई खास अंतर नहीं है। आप ये भी जान लीजिए कि यहीं से तैयार होती है आपकी टेस्टी पूनम स्वीट्स की मिठाइयाँ। ऐसे में कॉकरोच निकलना आम बात है और जब कोई ग्राहक शिकायत करने आता है उसे डरा धमका कर भगा दिया जाता है। फिलहाल पूनम स्वीट्स के मालिक से बात करने पर उन्होंने बताया कि वह कॉकरोच नहीं बादाम का छिलका था, लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बादाम का छिलका था या कॉकरोच। वहीं आज ये वीडियो सामने आया है, इससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि पूनम स्वीट्स का किचन बीमारियों का घर है, जो कि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। हजारों लोग पूनम स्वीट्स के मिठाइयों को विश्वास के साथ खरीदते हैं और खाते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ भी लापरवाही की जा रही है। प्रशासन से अनुरोध है एक बार मामले की अच्छे से तहकीकात की जाए। पूनम स्वीट्स नहीं ऐसे तमाम मिठाई वाले और होटल वाले हैं, इनकी जांच की जाए जो कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।